हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्कोर प्लेयर चैनल में। तो दोस्तों, आज जो है आज हम मैच कवर करने वाले हैं, बास्केटबॉल का मैच जो होने वाला है दोस्तों, पोलैंड वर्सेस क्रिच रिपब्लिक के बीच में वर्ल्ड कप 2019 का जो ये मैच है, ये मैच जो है दोस्तों आज 6:30 बजे जो है ये मैच होने वाला है दोस्तों। तो आपको जो है इस मैच के बारे में बता देते हैं और टीम के बारे में बता देते हैं और प्लेयरों के बारे में बता देते हैं कि आपको कौन कौन से प्लेयर जो है लेके चलने चाहिए और आपके पास बेस्ट प्लेयर की चॉइस जो है कौन कौन सी जो है हो सकती है और आप जो है ये मैच जो है कैसे जो है विन जो है ईजिली जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मैच के बारे में और प्लेयरों की चॉइस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट गार्ड की। तो पॉइंट गार्ड के ऑप्शन में हमारे पास बेस्ट चॉइस है टी सेट्रो रेंस का। ये जो है हमारे पास एक बेस्ट चॉइस आती है दोस्तों पॉइंट गार्ड के बेसिस पे। फिर अगर बात करें शूटिंग गार्ड के बेसिस पे, तो शूटिंग गार्ड के ऑप्शन में हमारे पास जो चॉइस आती है वो हमारे पास आती है, अगर हम पॉइंट बेसिस की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास आती है जे बोहचिक आपके पास चॉइस आती है दोस्तों। नहीं तो आती है एम पोनिटिका, नहीं तो आपके पास आती है एम पोनिटिका। इन दोनों में से आप किसी भी एक को जो है यूज़ करके जो है चल सकते हैं। हम जो है जे बोहचिक इनको जो है लेके चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्मॉल फॉरवर्ड की। तो स्मॉल फॉरवर्ड की हमारे पास चॉइस आती है, वो हमारे पास आती है पी प्लम लेरा को भी हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है पॉइंट इशू जो है हो सकते हैं, तो इसलिए जो है हम जो है पी एम लेरा को जो है लेके जो है चल रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पावर फॉरवर्ड की। तो पावर फॉरवर्ड की चॉइस में आते हैं पी ओडा भी हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉइस है दोस्तों। अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर के ऑप्शन में आते हैं ओ बेलविन। तो दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो है CZE के जो है 5 बेस्ट प्लेयर जो है आ गए हैं क्योंकि उनके जो है मैक्सिमम पॉइंट जो है गिवन है। अगर हम उनके जो है लास्ट मैच रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करें, तो लास्ट मैच रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के जो है लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड्स या लास्ट 3 मैच रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेंच रिपब्लिक के, तो सेंच रिपब्लिक का जो मैच था लास्ट मैच, वो मैच था उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वो हारे थे। फिर उसके बाद जो है सेकंड ग्रुप ऑफ स्टेज का जो मैच था उनका, वो था ग्रीस के साथ, वो भी वो जो है हारे थे। फिर उसके बाद बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के साथ था उनका मैच, वो भी जो है वो हारे थे। लेकिन हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो बेस्ट चॉइस है CZE की। और अगर पोलैंड की टीम के बारे में बात करें, तो दोस्तों पोलैंड की टीम भी जो है लास्ट मैच हारी है, फिर उसके बाद जो मैच हुआ है वो हारी है, फिर उसके बाद जो मैच हुए हैं अपकमिंग 2 मैच वो जो है दोस्तों जो है जीती थी, जो उनका जो है इस सीरीज के जितने भी 2 मैच हुए उनके वो जो है मैच जो है हारी है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों पोलैंड की टीम के हमारे पास जो है बेस्ट प्लेयरों की चॉइस क्या आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास आती है SF की ऑप्शंस में, जो हमारे हैं स्मॉल फॉरवर्ड, उनके ऑप्शन में आती है ए विंस की, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉइस आती है। फिर हमारे पास आते हैं अगर हम बात करें पॉइंट गार्ड के ऑप्शन में, तो ए स्लटर, तो ये जो हमारे पास चॉइस आती है दोस्तों। अब हमारे पास जो है पॉइंट बच गए हैं 8.5 पॉइंट, जिसमें जो है डी कोलिंग हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन होती है। अगर हम पोलैंड के प्लेयरों की बात करें, तो डी कोलिंग जो है पॉइंट्स के ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो है क्या क्या जो है ऑप्शन जो है बचते हैं और हम जो है कौन से प्लेयर जो है लेके जो है चल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि हम ओ बेलकिक इनको जो है लेके चलें। ये जो है ओ बेलकिक जो है ये रिस्क है हमारे लिए कि ये खेल भी सकते हैं या नहीं भी खेल सकते हैं, क्योंकि सबसे कम पॉइंट जो है इन्हीं के हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है चॉइस आ जाती है कि ये खेल भी सकते हैं या नहीं भी खेल सकते हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन आता है फाइनल लाइनअप का, तो फाइनल लाइनअप के बाद जो ऑप्शन आने के बाद आप जो है टीम जो है एडिट भी जो है कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, आपको लेके चलते हैं फिर SP की तरफ, SP की चॉइस की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक जो है इसका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन होता है, अगर आप सर्च भी करेंगे स्कोर प्लेयर तो भी आपको जो है ईजिली जो है मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जुड़ने का आपको फ़ायदा आपको बता देता हूँ, आपको जो है हर टीम के स्क्रीनशॉट जो है प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको जो है विनिंग मैच स्क्रीनशॉट प्रोवाइड हो जाएंगे। सबसे मेन चीज़ है फ्री टीम भी प्रोवाइड हो जाती है, पेड टीम भी प्रोवाइड हो जाती है। अगर आप में से कोई पेड मेंबर बनना चाहता है तो वो हमारे साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है लिंक जो है मिल जाएगा। वीडियोज़ अपडेट फुटबॉल बास्केटबॉल कबड्डी हर चीज़ की टीम जो है आपको जो है मिल जाती है। अगर आप फुटबॉल बास्केटबॉल कबड्डी खेलते हैं तो आप जो है ज्वाइन हो जाइए। फुटबॉल की टीम अभी हम प्रोवाइड
ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैच जो है रिस्की चल रहा है, तो इसलिए हम नहीं चाहते आप में से किसी का लॉस जो है हो। तो इसलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप जो है हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जुड़ने से आपको हर चीज़ की अपडेट जो है मिल जाएगी। 427 प्लस जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अगर आप सर्च भी करेंगे तो आप जो है देख लेना जहाँ पे 427 सब्सक्राइबर हो वहाँ पे जो है आ जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं आपके पास एसपी की चॉइस के ऊपर क्या ऑप्शन आते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें एसपी की चॉइस में हमारे पास आते हैं टी सेटोरेंस की और हमारे पास आते हैं जे बॉक्स। लेकिन अगर आप माने तो अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं ग्रैंड लेवल को खेलते हैं अगर कोई रिस्क लेके चल रहा होगा तो वो है जे बोहिचिक को जो है लेके चल रहा होगा, नहीं तो सबका जो है कॉमन एसपी होगा वो हमारा होगा टी सेटोरेंस की दोस्तों। तो ये जो है हमारी फाइनल टीम है दोस्तों जिस टीम को लेके अपने साथ आगे चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जो है दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। लाइक एम है 15+ लाइक, आई होप आप लोग जो है करवा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।